हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं हो गई हूँ फ्रेश और कर रही हूँ अपना फेस वॉश। और मैं हमेशा ना क्लीन एंड क्लियर का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वही मेरी स्किन को शूट करता है। तो मैं उसी से अपना फेस जो है क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद पियेंगे चाय। और चाय पीने के बाद मैं करती हूँ वॉक, योगा, एक्सरसाइज अपनी। और देखिए अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब हल्का फुल्का सा अंधेरा है। तो देखिए फटाफट से करते हैं अपनी एक्सरसाइज और वॉक कंप्लीट। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से हो जाता है, हालांकि यहाँ पे ना मतलब हवा नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, जैसे तैसे भी हो जाता है। और अब मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, इसके बाद थोड़ा सा योगा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और अभी मैंने ना एक दो दिन के बाद सूर्य नमस्कार भी शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अगर हमें वेट लॉस करना है ना तो हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मेरे मतलब हिसाब से बहुत जल्दी आपका वेट जो है कम होता है। तो मैं बस एक दो दिन में शुरू करूँगी, क्योंकि अभी ना मैंने 5-6 दिन पहले ही अपना योगा एक्सरसाइज शुरू किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि एकदम से बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं दूँगी और धीरे धीरे ही शुरू करूँगी। तो देखिए अभी मेरे ना 3rd-4th दिन ही हाथ मेरे ज़मीन पर लगने शुरू हो गए हैं, तो बॉडी मेरी धीरे धीरे खुल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि एकदम से नहीं करूँगी, नहीं तो मसल्स पेन हो जाता है और मतलब क्रैम्प आने की भी टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करूँगी, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ूँगी, जल्दबाजी नहीं करूँगी किसी भी चीज़ में। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने आज थोड़ा सा जो मेरे पास मिठाई के डिब्बे रखे थे उनको भी मैंने डेकोरेट किया है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। तो क्या क्या किया है वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। और देखिए हमारी चाय हो चुकी थी काफ़ी देर पहले, और मैंने ये सफ़ेद चने रात को भिगो के रखे हैं, तो अब मैं इनको डालूँगी उबलने के लिए। तो फटाफट से करते हैं इनको साफ़। देखिए पानी के अंदर जब चने रखे होते हैं ना, तो अगर कोई चना ख़राब हो ना कितने आसानी से दिख जाता है, उसके अंदर होल है, तो से खाए हुए चने होते हैं ना कीड़ा लग जाता है, तो वो पानी के अंदर बहुत आसानी से दिख जाता है। तो मैं भी उनको बिना हिलाए ना इस तरह से देख रही थी। और देखिए अब मैंने 2-3 पानी में इनको धो लिया है, और एक साथ में आलू भी उबलने के लिए रख दूँगी। और चने को मैंने अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया था। अब देखिए इसमें मैंने आलू डाल दिया है, थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, और ये जो हल्दी है ना इसका बहुत अच्छा कलर है, बिल्कुल थोड़ी सी डलती है। और 1/2 चम्मच के करीब डालूँगी नमक, और बस इसमें डालूँगी हींग थोड़ा सा। हींग डालने से ना चने डाइजेस्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और हींग की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है हींग की खुशबू। और थोड़ा सा सरसों का तेल इसके अंदर। और अब लगाएंगे कुकर को ढक्कन और गैस करेंगे चालू। और उसके बाद कुकर रख के इसमें 5 से 6 बिसल लगाएंगे सफ़ेद चनों में। और देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, और बेडशीट वगैरह क्लीन करूँगी, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी, कर्टन वगैरह हटाऊँगी ताकि हवा थोड़ी अंदर आ सके। और जो बेडशीट वगैरह रात को ली होती है ना ओढ़ने के लिए, उसको भी मैं फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। और कुशन तकिए वगैरह सबको ठीक करके अच्छी तरह से बेड को पूरा अरेंज करूँगी। और आज ना दीपा का थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि वो थोड़ा कल बोल रही थी कि शायद मैं कल नहीं आऊँगी, कहीं साफ़ सफाई में लगी हुई है किसी और घर में, तो देखते हैं। तो मैंने सोचा कि शावर लेने से पहले ना थोड़ा बहुत झाड़ू निकाल देती हूँ, अगर वो आ गई तो बेस्ट है, और नहीं आई तो झाड़ू तो मैंने निकाल ही लिया है। और देखूँगी पोछा लगाने का बाद में सोचेंगे, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा झाड़ू निकाल देती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट मैंने पूरी क्लीन कर दी अच्छी तरह से, और ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। ये मुझे मम्मी ने दी है आते टाइम इस पर। मुझे ना ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है मम्मी देती है, तो बस ये मम्मी ने दी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद थी तो मम्मी ने मुझे दे दी है। और मैंने पूरा बेड भी क्लीन कर लिया अपना अच्छी तरह से, अब निकालते हैं झाड़ू। हालांकि मैंने ना जाले निकलवा दिए थे दीपा से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे आदत भी है, और मुझे थोड़ा सा भी दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदा ना, तो थोड़ा बहुत मैं ऊपर से भी साफ़ कर रही थी। फटाफट से लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि घर तो वैसे भी काफ़ी बड़ा है, तो लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से करते हैं साफ़ सफ़ाई, उसके बाद फिर शावर लेना होता है, पूजा करनी होती है, फिर नाश्ता बनता है मेरा जाके कहीं, तो तकरीबन 9:30-9 बज जाते हैं मेरे इन सब कामों में। तो देखिए फटाफट से मेरा झाड़ू लगाना भी हो गया है। और ना मैं 2-3 दिन से ना दीपा को बोल रही थी कि यह जो किचन में जाली का दरवाज़ा है ना उसको क्लीन कर ले, तो वो ना मतलब सुन नहीं रही थी अच्छे से। तो मैं आज करूँगी इसकी थोड़ी सी साफ़ सफ़ाई, और जब खुद के हाथ में झाड़ू आया हो ना तो बस मेरा तो यही होता है कि अच्छे से साफ़ सफ़ाई कर दो। जैसे मैंने इसके ऊपर झाड़ू लगाना, इतनी धूल मिट्टी दी थी कि अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद ना मैं इसको झाड़ू से साफ़ करके हल्का गीला कपड़ा मारूँगी इसके ऊपर, ताकि अच्छे से जाली ना साफ़ हो जाए। और दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतनी गंदी थी ये, हवा तो कहाँ ही आएगी इसमें से।
देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, अच्छा किया मैंने शावर लेने से पहले ही इसको साफ़ कर लिया। अब देखो अगर दीपा आज आ गई तो बेस्ट है, और नहीं तो कल आएगी तो मैं पूरी जाली इससे ना अच्छे से साफ़ करवाने वाली हूँ कि इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर। फिर धूल आती है ना, जैसे हवा आती तो बहुत धूल भी आती है अंदर। तो चलिए आज तो मैंने इसको कर लिया साफ़, अब देखते हैं जब वो आएगी तो उसको बोलूँगी कि इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ करते। ये देखिए अब मैं इसको पूरा अच्छी तरह से मतलब इस वाले इससे साफ़ कर रही हूँ ताकि जो धूल मिट्टी ऊपर है ना वो भी ग्रिल के ऊपर वो निकल जाए। और अब जो पीछे का पोर्शन है उसके मैं भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि वॉश तो मैं करने वाली हूँ, बहुत बड़ा एरिया है तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें झाड़ू लगा देते हैं जल्दी जल्दी से। और आगे के पोर्शन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगाते लगाते ना हालत ख़राब हो गई थी। एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से इतना बड़ा एरिया है, इसमें साफ़ करते करते भी हालत ख़राब हो गई थी। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी, उसके बाद मैं अब लग गई हूँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही डेजू? कहाँ जाना है तूने, कहाँ जाना है? घूमी 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 चली। मैं नहीं जा रही हूँ। लीश कहाँ है? लीश डेजी की, डेजी की लीश कहाँ है? लीश उधर, उधर लीश, उधर है लीश, उधर है। परेशान हो गई। फोन आ गया, फोन डेजी, फोन आया। और यहाँ पे ना डेजी बहुत देर से मस्ती कर रही थी, हम उसको बोले जाते कि चलो घूमने चलते हैं, इतना परेशान कर रही थी ना वो, इनको पूछे मत, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बस जैसे हम बोल रहे थे ना और फ़ोन आ गया तो वो चुप हो गई थी, और जैसे फ़ोन ना बंद हुआ वो फिर से शुरू हो गई, परेशान कर रही थी कि लेके चलो घूमने के लिए मुझे आज। बहुत देर तक हम खेलते रहे उसके साथ ना आज। और अब मैं लग गई हूँ जी खाना बनाने के लिए दोपहर का लंच। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सफ़ेद चनों में छौंक। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को कूट के डाल दिया, और प्याज भी डाल दिया था मैंने उसमें। और अब मैं ना इन सबको अच्छी तरह से भूनूंगी, उसके बाद फिर इसमें टमाटर मैं आजकल कद्दूकस करके डाल रही हूँ तो वो करके डाल दूंगी, और अच्छी तरह से पूरे मसालों को मतलब पकाना है। उसके बाद फिर इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये सब डाल के उसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। जब तक वो तेल ना छोड़ देना तब तक हमें इसको पकाना है ड्राई ड्राई होने तक। और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे आलू, और मैं तो आलू को बिल्कुल मैश कर देती हूँ। उसके बाद इसमें डाल देंगे सफ़ेद चने, और सफ़ेद चनों को भी ना अच्छी तरह से भूनना है। देखिए हल्का फुल्का उसको मैश कर दो। तो मैं तो सफ़ेद चने ना इस तरह से ही बनाती हूँ, और इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। मैंने इसके अंदर ना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को कूटा था तो वो फ्लेवर ना उसके अंदर रह जाता है कूटने वाले बर्तन में, तो उसी में से थोड़ा सा पानी डाल के मैं सब्ज़ी के अंदर डाल देती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चनों को ना अच्छी देर तक पकाएंगे, उसके बाद फिर इसमें जो उबला हुआ पानी होगा ना चनों का वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद भी ना चनों को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, और उसके बाद ही फिर मैं गैस बंद करती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ थोड़ा बहुत अपना काम करने के लिए। तो ये मेरे पास मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे, कुछ करवा चौथ के कुछ और भी आया था मेरे पास मिठाई का डिब्बा, तो वो मैंने रखा हुआ था संभाल के। मैंने सोचा कि चलिए कुछ सामान डालने के काम आएगा। और ये मैं लेके आई थी गिफ्ट रैप पेपर, तो अब मैं इनसे ही ना इनको थोड़ा बहुत बाहर से डेकोरेट करूँगी, ताकि देखने में ना मिठाई के डिब्बे अच्छे नहीं लगते कि उसके अंदर सामान डालो, तो मैं इनको थोड़ा बहुत इस तरह से ना बाहर से डेकोरेट कर दूँगी, और उसके अपना जो सामान होता है ना उनको रखूँगी, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, कान की हो गए, तो बाकी सारा सामान मेरा इस तरह से बिखरा रहता है, उन सबको डालने में मैं इन डिब्बों को यूज़ करूँगी। तो ये देखिए जो छोटा वाला बॉक्स था ना इसको मैंने बाहर से मतलब गिफ्ट पेपर लगा दिया है, और देखिए कितना सुंदर हो गया, अभी पता भी नहीं चल रहा है कि ये मिठाई का डिब्बा है। और इस तरह से ना मैं दूसरे वाले डिब्बे को भी, जो दूसरा वाला मेरे पास पड़ा है एक और मिठाई का डिब्बा है, तो मैंने उसको अंदर से अच्छी तरह से ना गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, पता भी नहीं चल रहा है। और फेविकॉल से मैंने फ़िलहाल इसको चिपकाया है। तो ये देखिए ये दूसरा मेरे पास डिब्बा एक और रखा हुआ है, और इसको भी मैं इस तरह से, कॉफ़ी कलर का मेरे पास पेपर है, इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी प्रिंटेड बहुत अच्छे अच्छे मतलब पेपर मिलते हैं, लेकिन मुझे दुकान पे यही मिला फ़िलहाल, तो मैंने यही ले लिया। मैंने कहा चलिए ठीक है अभी, और फिर जो आगे वाली मार्केट है ना, जो मेन मार्केट है वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ से और लेके आऊँगी। और मेरे पास और भी डिब्बे रखे हुए तो उनके ऊपर भी मैं इस तरह से ना मतलब पेपर लगा दूंगी, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और आप अंदर उसके सामान भी रख सकते हो, कुछ भी आप भर सकते हो, और मतलब अरेंज करने में काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी अलमारी बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से बिखरा हुआ सामान देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और हौच पौच हो जाती है हमारी अलमारी, और सामान ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इस तरह से ना डिब्बे जो भी होते हैं
चाहे वो इस तरह से पेपर के डिब्बे हों या फिर हमारे पास कंटेनर आते हैं कई बार चॉकलेट वगैरह के जो टीन के होते हैं वो वाले, वो भी मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो बस मैं इनको इस तरह से मतलब पेपर से रैप कर देती हूँ, और पेपर वाला हो तो बेस्ट होता है, जो प्लास्टिक वाला होता है ना, मैंने जो दूसरा वाला लगाया वो इतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, मतलब आवाज़ भी करता है बार बार, जितनी बार आप खोलोगे ना तो उससे आवाज़ आती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए एक ट्राई करके देखते हैं, और वो गोल्डन कलर का है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और उसके ऊपर छोटे छोटे से हार्ट बने हुए हैं तो और भी सुंदर लग रहा था। तो बस मैं इस तरह से इसको भी पूरा रैप कर दूंगी, और ये देखिए मेरे दोनों बॉक्स ना बन के तैयार हो गए हैं, और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने इनके अंदर क्या क्या डाल के रखा है। तो ये देखिए दो डिब्बे मेरे ये तैयार हो गए हैं, और इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।